नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं शिवपुरी विधानसभा की एक नगर है खोर, जहां से खबर आई कि केपी सिंह कक्काजू जो पिछोर विधानसभा को छोड़कर अब शिवपुरी विधानसभा चुनाव में मैदान में है, और उसी विधानसभा क्षेत्र का एक एरिया है खोर जहां आपसे कुछ समय पहले केपी सिंह कक्काजू की एक चौपाल हुई और ग्रामीण और क्षेत्र के सभी अंचलों के कार्यकर्ता यहां पर आए और उन्होंने सभा ली। तो अब इन कार्यकर्ताओं से, उनके समर्थकों से जानते हैं कि आने वाला चुनाव किस तरफ माहौल है और किस तरीके से ये लोग आने वाले चुनाव में केपी सिंह कक्काजू को समर्थन देंगे। तो लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम राजा बाबू चौहान है। तो चौहान साहब, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? इस बार ये लग रहा है कि कक्काजू साहब के आने से हमारे पूरे खोड़ क्षेत्र में जो 79 पोल हैं उनमें जबरदस्त उनके फेवर में माहौल है, क्योंकि हम लोगों ने उनको पिछोर में काम करते हुए देखा है। जो उनकी कार्य करने की क्षमता और कार्यशैली है वो एक यंग के पास भी नहीं है, और इस बार तो केवल उनके यहाँ आने से ये मान लेना कि 80% वोटिंग उनके फेवर में होगी। आपसे कुछ देर पहले मैं वहाँ जब था तो केपी सिंह कक्काजू कह रहे थे कि आप लोग चाहे 2-4 ग्राम पंचायत में जाना, कम ग्राम पंचायतों में जाना, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत करना। तो अब जब आप 2-4 ग्राम पंचायतों में जाएंगे तो लोगों के बीच कैसे माहौल को बताएंगे जिससे लोग केपी सिंह कक्काजू के पक्ष में समर्थन करें? देखो, कक्काजू किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनको बच्चा से लेके बूढ़ा तक सब व्यक्ति पहचानते हैं, और उनका कभी ना कभी किसी न किसी संदर्भ में कक्काजू साहब से काम पड़ा है। और कक्काजू साहब जब विधायक नहीं थे, जब भी यहाँ वो आते रहे हैं, और यहाँ का व्यक्ति पिछोर जाता रहा है, उनसे काम करवाता रहा है, तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और उनके तो काम करने की, वो तो काम करते हैं, क्योंकि 30 साल ऐसे ही MLA थोड़ी कोई बन जाता है। एक पार्टी पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पिछोर को छोड़कर शिवपुरी की तरफ क्यों भागे? देखो, कठिन और विकट परिस्थिति में पार्टी ने जब यहाँ पे सिंधिया का गढ़, जो 30,000 से हर बार विधानसभा हार रही थी, गणेश गौतम MLA के बाद में कोई यहाँ पे कांग्रेस का शेष 15 महीनों को छोड़ने तो कोई MLA नहीं बना, तो ऐसी कठिन परिस्थिति में पार्टी ने उनके लिए केवल जिताऊ उम्मीदवार के तौर पे उतारा है कि सबसे बड़ा हमारा ताकतवर उम्मीदवार है, क्यों ना ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इनके साथ लड़ लें। वीरेंद्र रघुवंशी यहाँ से विधायक चुने गए हैं, वो 15 महीना के लिए चुने गए थे, तो वो तो कम ही टाइम के लिए उपचुनाव में चुने गए थे। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं चाचा, क्या नाम है? सूर्य प्रताप सिंह परमार। तो परमार साहब, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में क्या लग रहा है, बस वही पंजा चल रहा है। जनता के बीच जाएंगे तो क्या बताएंगे जनता को जिससे जनता आप लोगों को वोट करिए? कैसा कैसा? जनता के बीच में आप लोग जाएंगे तो क्या जनता को बताएंगे, क्या जनता के बीच माहौल रखेंगे? कक्काजू का बताएंगे। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी, चूंकि पिछोर में 6 बार से केपी सिंह कक्काजू जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लिए ग्रामीण अंचलों के लिए हो सकता है नया नाम हो, चूंकि हम लोग पहली बार आए, हम लोगों को क्षेत्र के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं यहाँ पर केपी सिंह कक्काजू को? राम से बड़ा राम का नाम, कक्काजू का तो नाम ही बहुत है, जो कोई भी सुनता है तो अपने आप पर, अब यहाँ शिवपुरी विधानसभा का हर नागरिक अपने आप पे गर्व कर रहा है कि हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि धार महादेव महाराज की कृपा से हमें इतना बड़ा प्रत्याशी मिल गया जिससे हमारी और हमारी पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी। 2003 के पहले ये एरिया शायद पिछोर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। आज भी ये है, क्या है, जो तहसील और अपना न्यायालय, जनपद, पंचायत पिछोर ही लगती है, तो यहाँ के लोग हमेशा से कक्काजू साहब से जुड़े रहे। तो अब इन परिस्थितियों में आप यहाँ पर केपी सिंह कक्काजू को देख रहे हैं, तो पिछोर में फिर क्या लग रहा है? अरे पिछोर में कक्काजू साहब पांचों विधानसभा जिताएंगे, आप 3 तारीख को रिजल्ट देख लेना। अभी कहीं भी कुछ भी मुंह लगने से किसी के क्या फायदा, आप क्या बोल रहे हैं बोलते जाओ, लेकिन मतदाता यहाँ का इतना समझदार है, आप ये देखिए 18 साल भाजपा की सरकार रही, आप जो लाली बहना ये क्या क्या चला दिया है, तो जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, सब जानती है, इतने दिनों से उन्हें लाली बहना का कुछ नहीं दिया, भैया भी दे सकते थे। जी जी भैया, क्या नाम है? संदीप चौहान। तो चौहान साहब, इस बार क्या लग रहा है चुनाव? इस बार ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी 150 के पार, और कक्काजू साहब पांचों ही विधानसभा जीतेंगे शिवपुरी की, और पिछोर से ऐसा है कि इस बार कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे पिछोर में अरविंद सिंह लोधी। और यहाँ पर जो अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक जैन साहब को टिकट क्लियर की है, उनके बारे में क्या जैन? अब आप जैसे सुनो तो वो पहले बहुत पहले चुने गए थे, वो एक बार विधायक बन गए थे, ठीक है, अब जनता उन्हें जवाब नहीं देगी कि जब से आप विधायक बन गए थे तो आप थे, आपका क्षेत्र था, आपके मतदाता इसी क्षेत्र के थे, आपने संपर्क क्यों खत्म कर दिया था? आपको अपने क्षेत्र में तो जाना आना चाहिए, संपर्क में तो रहना चाहिए।
चलिए के कभी काम में तो आना चाहिए, उनका सुख दुख में जाना चाहिए, वो क्षेत्र में कभी आए या क्या यहाँ पर जब उनका विधायक यहाँ से वो चुने गए थे हाँ। उस दरमियान यहाँ की जनता के बीच वो आए ही नहीं क्या? अरे उसके बाद में मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया उसके बाद से तो आपको आना चाहिए, उसके बाद आए नहीं। हाँ उसके बाद में आए ही नहीं, आते ही नहीं है कभी। लेकिन उसका एक कारण ये भी समझा जा सकता है कि ग्रामीण अंचल में 80,000 के आसपास मतदाता है, जबकि शहर में 1,60,000-50,000-70,000 इसके आसपास। देखिए आप 30 साल का कार्यकाल माननीय कक्कायू साहब का इस बात का प्रमाण है, हर कोई का विश्वास है कि उनने हमेशा गरीबों का, निचले स्तर के लोगों का और जो भी हैं उनका हमेशा संरक्षण किया है और वो संरक्षण करते हैं। और तो और हमारे अभी तक पिछोर विधानसभा में भलाई पार्टी के भाजपा के लोग होते हैं लेकिन वो वोट एंड टाइम पे कक्काजू को करते हैं। मैं बताऊं आपको जो जो राजनीतिक बड़े सलाहकार होते हैं वो एक तरीके से एक सलाह को दिया करते हैं कि ग्रामीण अंचलों में कांग्रेस पार्टी मजबूत रहती है लेकिन जब शहर में घुसते हैं तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर बढ़ जाता है। अब इन परिस्थितियों में जब शिवपुरी सदर में 1,60,000-70,000 के आसपास मतदाता वोट करेगा और उनका वोट मतलब उनका विधायक बनाना, तो इन परिस्थितियों में अब शिवपुरी सदर में आप क्या तस्वीर देखिए? आप ये देखिए पिछोर विधानसभा में 6,000 वोट उनकी समाज के हैं माननीय कक्कायू साहब की, उसके बाद में 60,000 एक दूसरी समाज के वोट हैं, उसके बाद में भी वो लगातार अजय जिसको बोलता है अजय विधायक रहे हैं और वहाँ शिवपुरी शहर में जागरूक समझदार और मार्गदर्शक जैसा कहना चाहिए ऐसे मतदाता निवास करते हैं और वो समझदार है कि कक्काजू कितना अच्छा प्रत्याशी मिला है हमें। आज ये देखिए वो समझदार नहीं होते, आज जैसे यहाँ पर 20 साल से माननीय विधायक जी रही हैं राजे साहब तो वो जीतती नहीं क्योंकि देखो सच्चाई तो कहना पड़ेगी जो है तो उनके होने के वजह से भी कभी गुंडागर्दी हावी नहीं। लेकिन चलिए अब इसी पर एक सवाल पूछते हैं, लोग तमाम तरीके से बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि केपी सिंह कक्काजू और सिंधिया परिवार जो यहाँ से विधायक चुनी जाया करती थी उनके बीच में अच्छी बनती है और केपी सिंह कक्काजू का यहाँ से चुनाव लड़ जाना, उनका फिर बीमारी का एक तरीके से ये कह के कि मैं बीमार हूँ मैं टिकट नहीं ले सकती इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी, साथ में आज के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी चुनावी मैदान में ना आना, तो आपको क्या लगता है क्या केपी सिंह कक्काजी और सिंधिया ग्रुप में अच्छी बनती है क्या? हम अपने लेवल की बात कर सकते हैं, यह बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। सच्चाई ये है कि माननीय विधायक केपी सिंह कक्काजू 3 तारीख को आप देख लेना वो जीतेंगे 50,000 वोटों से और उनके जितने साथी हैं 5 विधानसभा में 4 और वो बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और अपना शिवपुरी विधानसभा का जो भी मतदाता है वो अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा है, अभिमान महसूस कर रहा है कि आज हमें इतना अच्छा प्रत्याशी हमारा मिल गया है और हम भाग्यशाली। चलिए तो और भी हमारे साथ लोग हैं, भैया क्या नाम है? राजदीप राजा परमार। तो राजदीप राजा जी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार ही लग रहा है कि कोई नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है बॉस की टक्कर में। कक्काजू साहब जिंदाबाद। कक्काजू साहब चलिए आपको बॉस की टक्कर में कोई नहीं दिख रहा है लेकिन ऐसा आपको क्यों लग रहा है कोई टक्कर में नहीं है? चलिए भैया हैं नहीं बोल पाते जी, हम 30 साल से देखते आ रहे हैं, जैसा कि मतलब हमारे यहाँ जहाँ तक मुझे मतलब खबर है कि मैं जहाँ से मैंने सुत संवारी है मैं तो ये देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे भाजपा का ही शासन है पर कोई विकास नहीं हुआ है। मैंने भी कई बार मतलब थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए शिवपुरी भागना पड़ा बट मेरी किसी ने नहीं सुनी, जो भी हुआ आपको पता है फिर कैसे मतलब करते हैं, जब जो बीतती है तो इंसान कर लेता है जैसे भी करके, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आगे चल के विकास होगा जो 30 साल से रुका हुआ पड़ा था जो विकास। लेकिन आप ही के ग्रामवासी क्षेत्रवासी बीते 30 वर्षों से मैं आपको बता दूं 18 महीने का आसपास का कार्यकाल कांग्रेस का रहा, इसके अलावा 31 वर्ष में कांग्रेस यहाँ से नहीं जीती, तो फिर क्यों आपके पूर्वज आपके गांव वाले क्षेत्र वाले चुनते लगातार चले जा रहे हैं? देखो कुछ तो ऐसा है जब सामने वाला प्रत्याशी मान लो कि तुम हो जनता है, अब हमारी गांव की जनता है जो हमें जानती है, बट तुम्हारे सामने किसी इतने छोटे प्रत्याशी को खड़ा कर दिया जाता है जिससे कोई उम्मीद ही, मतलब कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ऐसा उम्मीदवार ही नहीं दिया जो सिंधिया ग्रुप को जी, तो अब ऐसा लग रहा है कि कक्काजू को पिछोर में आप बोल रहे थे पिछोर से भागकर शिवपुरी में आए, वो शिवपुरी में नहीं आए। मैं नहीं बोल रहा था, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि प्रीतम सिंह के समर्थक। पार्टी ने ऐसा किया है कि एक वो चेहरा दे दिया है अपनी मतलब जिले के लिए जिससे कि 5 विधानसभाओं को कवर किया जा सके। चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं, बस अंतिम समय है सर, क्या नाम है पहले आप? भगत सिंह चौहान।
तो चौहान साहब इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? बढ़िया जीतेंगे, टॉप 10 अच्छी तरीके से। तो यहाँ से अच्छी तरीके से जीतेंगे, फिर सवाल वही आता है कि आप लोग इस बार ग्रामीण अंचलों से, अभी केपी सिंह कक्का जी जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ग्रामीण अंचलों से इतनी जीत लेकर के हमें वहाँ भेजना सुपरी सदर में जब हम प्रवेश करें, कि अगर वहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि 2-4, 5-10 हज़ार वोट अगर शॉर्ट भी पड़े तो ग्रामीण अंचल उस लीड को वहाँ कवर कर दे, तो क्या ग्रामीण अंचलों से आप लोग इतना वोट देने वाले हैं? तो ग्रामीण अंचल से भी इसलिए आशा रख रहे हैं क्योंकि ग्रामीण अंचल है जो उनसे जुड़ा हुआ है, और जो नेता आते थे वो राजनीति के समय आते हैं। कक्का जी को राजनीति से मतलब नहीं है कि वो राजनीति करने आए, जब भी मतदाता का सहयोग करें, वो राजनीति में होए क्षेत्र का होए अन्यथा नहीं होए, वो मदद सबकी करते हैं। वही मैंने विश्वास पहले से जुड़ा भया है, जनपद का क्षेत्र भी है, तहसील का भी क्षेत्र है। और कक्का जी साहब तो ये कैसे है, तुम कह रहे हैं बाजार में तो जी और वैसे चुनाव लड़ते थे तो इनके संग जो परिस्थिति होती वो इनके अनुकूल होती है। अब तो कक्का जी के लिए बाजार ना देहा सब कोई चल लिया रहा है, पूरे जिला ही चिल्ला रहा है कि आप ही बताओ किसको विधायक बनाना है, पाँचों के पाँच बना दें कि पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा जिता दें। कक्का जी के तरफ चले, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है दादा? मेरा कालू राम आदिवासी। तो आदिवासी हैं और आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, तो क्या परिस्थितियां हैं यहाँ की? यहाँ की साहब हम तो हमेशा ही कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। हम पहले ये सीपरी विधानसभा के नहीं थे विधायक, वो पिछोर क्षेत्र के थे, जब भी हमारा काम करते थे कक्का 2003 के पहले ये एरिया शायद पिछोर में लगा करता था। हाँ, मतलब जब भी इधर के विधायक नहीं थे, जब भी हमारा काम करते थे कक्का जी साहब। अब तो हमारे क्षेत्र में आ गए तो अब तो वो हमारी सुनेंगे, तो अब हमारे आदिवासियों के वोट कक्का जी को, आप लोगों की तब सुनेंगे जब वो जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। तो आप लोग इस बार क्या उनको, आपकी समाज है, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जो क्षेत्र है, क्योंकि नया अंचल है हम लोगों को ज्यादा जानकारी, तो आपका ग्रामीण क्षेत्र जो एरिया है वो किस तरीके से समर्थन कर रहा है? वो तो कक्का जी का कर रहे हैं टोटल। हाँ, कक्का जी का। तो इस बार क्या लग, और 30 साल से भाजपा की सरकार रही है, कुछ काम नहीं हुए। अब हमारे ये कांग्रेस उनमें दौड़ के कुछ काम पड़ता है तो उनको काम हमारा करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में आ गए तो अब तो हमारी सुनेंगे, तो हम तो वोट उन्हीं को देंगे। चलिए, तो इस जी कक्का जी साहब के ऊपर उधर कमलेश्वर भगवान की कृपा, महादेव की जी, इधर धार महादेव अब्बा की कृपा, उधर श्री हमारे पनरियानाथ भगवान जो आश्रम है, तो उधर उनकी कृपा, यानी भगवान की कृपा से बढ़कर किसी की कृपा नहीं। जहाँ पर कृपा राम की हुई वो ता पर कृपा करें सब को, इसलिए तो इस बार राम की कृपा है तो जनता भी बिल्कुल बिल्कुल समर्थन पूरा फुल। चलिए, तो इस समय हम लोग मौजूद थे, ये गांव का नाम क्या है, खोड़ में मौजूद थे, जहाँ के पी सिंह कक्का जी का एक समागम था, हल्के जो क्षेत्रवासी हैं कार्यकर्ता वहाँ पर सम्मेलन था, और उसके बाद ये कार्यकर्ता बाहर निकले, हम लोगों ने बात की और सभी कार्यकर्ता एक राय होकर के ये कह रहे हैं कि के पी सिंह कक्का जी का शिवपुरी आना, मतलब के पी सिंह कक्का जी अब पाँचों विधानसभा सीट को कवर करेंगे। अभी आने वाला समय बताएगा किस तरफ जीत होती है और किस तरफ हार, और भोपाल में कौन बनता है मुख्यमंत्री। नमस्कार, धन्यवाद, आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल।